नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक डिमांड हो रही थी बहुत ज्यादा सुपर 100 लेवल 2 के एग्जाम के सिलेबस की, तो आज मैं सुपर 100 लेवल 2 का पीछे जो 2 साल हुए हैं उनके आधार पे आज मैं आपको सुपर 100 का लेवल 2 का सिलेबस करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा ताकि जो आपका सुपर 100 का लेवल 2 का एग्जाम है वो बिल्कुल आसानी से क्रैक हो सके। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर 100 लेवल 2 एग्जाम फिजिक्स। लेवल 2 में फिजिक्स का कौन सा एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है उसका, क्या कौन कौन से उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि सुपर 100 का जो लेवल 2 एग्जाम है उसमें फिजिक्स का कौन सा लेसन हमें करना जरूरी है। तो उसके लिए आपका जो मेन टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है, सबसे पहले आपको करना है वेक्टर, यानी कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पोर्शन है वेक्टर। ये जो वेक्टर पोर्शन है ये आपको अच्छी तरह से डिस्कस करना है, क्योंकि आपका जो वेक्टर है इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको वेक्टर का बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के क्या क्या रूल होते हैं, इस पे क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो भी 11th क्लास के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है वेक्टर में इक्वल वेक्टर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर। तो गाइस, ये इक्वल वेक्टर, हाँ आप कह रहे हो डेफिनेशन क्यों करवा रहा हूं मैं, डेफिनेशन से ही आपको पता चलेगा भी किस चीज का कहां पे कैसे यूज करना है। तो आप पहले डेफिनेशन, बाद में हम सम की ओर चलेंगे, यानी इसके न्यूमेरिकल भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। अब इक्वल वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले बात आती है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जी हाँ मैग्नीट्यूड हो, एंड डायरेक्शन हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, बस वो वेक्टर है। अब वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं कहूं मैं इस चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, डायरेक्शन भी है फोर्स की और फोर्स लग भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी, कितना फोर्स लगा रहा हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई एक नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर नंबर है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए वो 5 न्यूटन है, तो 5 यहां पे मैग्नीट्यूड है और न्यूटन यहां पे इसका यूनिट है। बट डायरेक्शन का हमें कहां पे पता चला वो देखिएगा। अब मैं कहूं 5 न्यूटन है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी कब होती है, जब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज आएगा तो उसमें कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन का तो मेन होगा, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, बट वो ऊपर वाला जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये आपके लिए मेन चीज रहने वाली है। तो ये मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि मैं आपको ये सिलेबस करवा दूं, तो उसी बेस पे मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर। मान लीजिएगा आपके पास एक वेक्टर है ए, ये मान लीजिएगा ए वेक्टर है, ये मान लीजिएगा बी वेक्टर है। इफ, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, इफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी टू वेक्टर मे बी नहीं, आप लिखो मस्ट बी सेम और इक्वल, देन दीज आर इक्वल वेक्टर। यानी कि जब वेक्टर का दोनों, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो जाएगी, दोनों चीजें, यानी कि मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, जब दोनों चीजें बराबर होगी
तो जो आपके दोनों वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर होंगे। कैसे देखिएगा, ए वेक्टर है सेम डायरेक्शन, बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों इनका मैं कह दू इसका मैग्नीट्यूड वन है इसका भी वन है, दोनों बराबर हो गए ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वन वन डायरेक्शन भी सेम। तो अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से आपको पता चला और ये इक्वल वेक्टर किस कारण है। इक्वल वेक्टर का यूज बहुत आने वाला है। उसके बाद में आपके सामने वेक्टर आता है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इसी डायरेक्शन में है, ये ए है और ये बी है। अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? यदि दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, जो साइड में ऐसे दो लगाई है लाइन वो मैग्नीट्यूड का साइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट सेम, ये है जो सेम है नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें बट उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा या सेम होगा। दोनों वेक्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर का, आपको बहुत यूज आने वाला है न्यूमेरिकल में, यूनिट वेक्टर का बहुत ही महत्व रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, अगर कोई मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, इसमें दो वेक्टर होने की जरूरत नहीं, एक भी हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है यानी कि यूनिटी है, एक यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट है, तो वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू वन यूनिट, दैट शुड बी यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर है। यह तो होगी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। अब बात आती है इसके बाद में कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक इस लाइन में एक इस लाइन में ऐसे है, दूसरा मान लीजिए ऐसे है, जरूरी नहीं वैसे हो, ऊपर नीचे भी हो सकते, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये पहला एग्जांपल इसका, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, क्लियर। दूसरा एग्जांपल, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर भी ऐसे हो सकता है, या दोनों के डायरेक्शन इधर हो जाए, वो तो आपको पता होगा लगभग। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनके बीच का एंगल है, अगर इनको हम इकट्ठा करके देखें तो ये ऐसे बन रहा है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो या तो या 0 डिग्री हो, ये 0 का एंगल होता है यहां पे, या 0 हो या 180 डिग्री का एंगल हो किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, तो वो होते हैं कोलिनियर वेक्टर। यानी कि कोई भी वेक्टर अगर एक ही लाइन में मूव करते हो, ओनली वन लाइन, चाहे वो एक दूसरे से अपोजिट तरफ में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जब वेक्टर एक दूसरे के एक ही लाइन में मूव करते हो, उनका कोई मैग्नीट्यूड का कोई यहां पे चक्कर नहीं पड़ने वाला, बट एक लाइन में हो, तो उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर होने के बाद में हमारी बात आती है कोइनिशियल वेक्टर। अब कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आपको इस बात पे गौर करना है, किस चीज पे? कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर देखिएगा, एक पॉइंट आपके पास, वहां से कई वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे करके बहुत सारे वेक्टर हैं,
जिनका कोई भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज अलग अलग है। सी डी ये मान लीजिए ई वेक्टर है, डी को बड़ा लिख लेते हैं, ये एफ है, ये मान लीजिए कुछ एक्स वेक्टर है। पता चल रहा होगा आपको। तो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर हैं, उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब बात आती है को प्लेनर वेक्टर की, वो इस साइड देख लीजिएगा। को प्लेनर, को का मतलब कॉमन, प्लेनर का मतलब प्लेन, जिनके पास एक कॉमन प्लेन हो, यानी कि चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो ऐसे हो, कोई भी कॉमन प्लेन होना चाहिए उनके पास, वो कोई मैटर नहीं करता वो किस तरह की शेप में है या किस तरह का उनका मैग्नीट्यूड है। ये लगभग सारे मैंने आपको वेक्टर के पार्ट बता दिए, जो वेक्टर के बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो इन्हीं की बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं सुपर 100 लेवल 2 के एग्जाम में, तो उसके लिए आपको पोजिशन वेक्टर के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब पोजिशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशन वेक्टर? पोजिशन वेक्टर होता है किसी भी ओरिजिन से, पोजिशन वेक्टर सदैव ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है हमारा लगभग 0 0 होता है, उससे उस वेक्टर की दूरी, उस वेक्टर की दूरी, उस वेक्टर की पोजिशन, दैट शुड बी पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पार्ट, दैट शुड पी वी ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए का यानी कि मतलब है ओ से, ओरिजिन से ए वेक्टर तक की पोजिशन या दूरी कितनी है। क्लियर है इतना? तो ये होता है पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर को वैसे कोई डिफाइन तो कर नहीं सकते, कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है, हर कोई बुक में अलग अलग आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। रेफरेंस बुक प्रदीप की ले सकते हो, क्योंकि प्रदीप के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, तो मैं आपको उसी रेफरेंस बुक से आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, अपने बुक में मार्क भी कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको 3-4 ला भी अच्छी तरह पढ़ने हैं। एक तो ट्रायंगल ला है, पैरेललोग्राम ला, दोनों ला तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम टिप टॉप याद कर लेने हैं, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला। उसके बाद में एक ला और है आपका, वो ला है शायद आपका, मैं एक मिनट देख लेता हूं, वो है आपका पॉलीगन ला, एक पॉलीगन ला और है आपका, क्योंकि आपको एडिशन में, वेक्टर के एडिशन में काम आएंगे ये। उसके बाद पैरेलल, बस ये 3 ला है, तीनों ला आपको अच्छी तरह से करने हैं, वो आप अपने खुद की इच्छा अनुसार कर सकते हो, अपने बुक में से, अपनी कहीं किसी भी टीचर के ऐप से या किसी और के ऐप से। अगर आप चाहते हो कि मैं इन 3 टॉपिक्स पे स्पेशल वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आज की इस 3 यानी कि इन 3 टॉपिकों का कमेंट सेक्शन में, कमेंट का जो एम है वो है 22 कमेंट इस से रिलेटेड होंगे तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। और आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 40 लाइक, तो 40 लाइक तो आप आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी सुपर 100 लेवल 2 का एग्जाम बिल्कुल अच्छी तरह से क्रैक हो जाए एक ही झटके में। ठीक है, ये 3 ला आपको बता दिए, इन 3 ला के बारे में अगर आपको इनके बारे में और डीपली जाना है तो वीडियो के कॉमेंट में कॉमेंट कर दीजिएगा भाई इन 3 टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इससे थोड़ा सा हटके, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसकी वीडियो वैसे स्पेशल अलग बन रही है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, बट मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। एक तो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और एक है डॉट प्रोडक्ट, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस को वेक्टर, डॉट को स्केलर, ये दो क्रॉस, ठीक है गाइस। तो बीच में वो फोन आ गया था, उसकी डिस्टरबेंस के कारण थोड़ा सा आपको नॉइस आई होगी, बट मैनेज कर लेना, इतना चलता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं,
यानी कि वेक्टर के पोर्शन में एक तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर, बाकी आप चाहे कुछ भी मत करना, ये तीनों चीजें जरूर करना, बिल्कुल ये करना आपको। पोजीशन वेक्टर को पूरा लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये तीन ही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर से। इसके अंदर पोजीशन वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर भी कवर हो जाता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वहां पे पूछे जाते हैं, सुपर 100 लेवल 2, इनसे रिलेटेड टॉपिक आएगा आपके लिए। तो आपको इन चारों टॉपिक को अच्छी तरह करना है। यूनिट वेक्टर की ओनली ओनली आपको पता होना चाहिए होता क्या है, पोजीशन वेक्टर निकालना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करनी आनी चाहिए। आपको कोई दो वेक्टर दे देंगे, उनके आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करनी होगी। फिर बात आती है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, जो कि आपको एक नंबर में दे सकते हैं, वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड निकालना दे सकते हैं। बस वेक्टर से रिलेटेड इतना ही टॉपिक है। अब वेक्टर के बाद में बारी आती है कुछ अलग, ये मैं अभी आपको डिस्कस करेंगे हम, बट उससे पहले हम कुछ और कर लेते हैं, यानी कि आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक। किसी भी न्यूटन, जो आपने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, यानी कि एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है बट वो इस लेसन से नहीं है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जो मोशन के लॉ है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो और चाहे वो थर्ड हो, तीनों से न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स पक्के हैं। बस एक ये टॉपिक और चार वो टॉपिक, कुल मिलाकर फिजिक्स में आपके पांच टॉपिक बनते हैं। इन पांचों टॉपिक से रिलेटेड आपके सम या क्वेश्चन या जो भी न्यूमेरिकल्स कह लीजिएगा, आपके पेपर में आने वाले हैं। मैं भी पक्का नहीं कहता कि आपका पेपर होना या नहीं होना, बट आप तैयारी जरूर रखिए। तैयारी रखोगे तो आपका अचानक पेपर हो भी जाए तो आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये तो वैसे आपका सिलेबस भी है, आपकी 11th क्लास में भी है, तो आप इन्हें अच्छी तरह करते जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम इन सब टॉपिक को डिस्कस भी करना पड़ेगा, तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो आप हमारी जो सुपर 100 लेवल 2 की स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका लिंक आपको ठीक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट पूरी प्ले करके देख सकते हैं। उसमें लेवल 2 का इंट्रोडक्शन, लेवल 1 और लेवल 2 सुपर 100 का इंट्रोडक्शन, लेवल 2 एग्जाम कैसे होना है, लेवल 2 का एग्जाम किस तरह का आता है, लेवल 2 की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, लेवल 2 का सिलेबस क्या है, लेवल 2 में सिलेबस में क्या क्या चीज हमें पढ़नी पड़ती है, किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वरना आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, इस आई बटन पे भी मिल जाएगी वीडियो। तो अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट का सही अंदाजे में उसका मकसद पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कहां पे और कैसे करते हैं। तो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका जो सिंपल सा फंडा है वो मैं आपको बता देता हूं। उसका होता है ए क्रॉस बी वेक्टर, एक जनरल टर्म लिख रहा हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ये जनरल टर्म है जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा विद एन यूनिट वेक्टर, यही होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। एन यूनिट वेक्टर है, ए ए और बी यहां पे वेक्टर है, थीटा यहां पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये एंगल है जो कि ए और बी वेक्टर के बीच में बना हुआ एक एंगल है। एन यहां पे यूनिट वेक्टर है, ये यहां पे यूनिट वेक्टर है, और ए और बी यहां पे दोनों क्या चीज है, वेक्टर है, इंडिविजुअल वेक्टर है जो आपको गिवन है। सॉरी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, क्योंकि इनके आगे साइन देखो किसका लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ, और जो ये है और ये है,
ये दोनों आपके पास वेक्टर है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में लिए गए हैं। क्लियर है, मैंने आपको इन सभी के बारे में बता दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपको कोई एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको रफ कर दो या इसको नोट करना है, नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और पहले क्रॉस प्रोडक्ट का कर लेते हैं। आपके पास एक ए वेक्टर है जिसका आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, आपके पास 3i cap - 4j cap, इसे बोलते हैं i कैप, दैट शुड बी इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ x, दैट शुड बी इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ x, यानी कि ये x की रिस्पेक्टिव ऑर्डर में लिया गया है जो कि x एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, 3i cap माइनस है या प्लस है आगे देखिए, मैं स्टेटमेंट नोट कर लेता हूं, -4j cap, j कैप इज इन द रिस्पेक्टिव ऑफ y, ये j कैप है ये y एक्सिस के अलोंग है, +5k cap, जो ये k कैप है ये z के अलोंग है। अब बात आती है b वेक्टर की, b वेक्टर आपको दिया हुआ है -2i cap + j cap - 3k cap, ये आपको दोनों वेक्टर दिए हैं। अब आपको कह रहे हैं फाइंड दैट a क्रॉस b, अब आप तो करोगे ऐसे, मैं बताता हूं आप ऐसे करोगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, जैसे मान लीजिएगा हमने फार्मूला क्या था, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, ये तो यहां पे एंगल निकालने का फार्मूला बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये तो हमें खुद को ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे ये आप भूल जाइए एक बार, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का यूज होगा, बट आपको सिंपल सी क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए। ये तो है एंगल फाइंड करना किसी के बीच में, तो एंगल फाइंड करना भी सीखेंगे हम। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा मेथड यूज करना है, वो देखिएगा। पहले आपको इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, यानी कि ऐसे ध्यान से देखिएगा, पहले आपको ऊपर आई जे और के लिख लिया, फिर उसके कंपोनेंट लिख दीजिए, आई के एक बार 3 है, एक बार -2, -4, 1, 5 और -3, आई के साथ एक बार 3 है, एक बार -2, 4 और 1, 5 -3, 5 -3, क्लियर है इतना। अब आपको क्या करना है, यहां पे आप आई लेंगे और इस लाइन को, इस लाइन को छोड़ेंगे और साथ में ये लेंगे, क्लियर है, तो वो इस साइड लिख देता हूं मैं आपको, इक्वल्स टू आई वेक्टर आई कैप इंटू -4, 1, 5, -3, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पे जे को लेना है, जे को लोगे, अब इसको रफ कर देते हैं एक बार, जैसे ही आप जे को लोगे तो आपको ये लाइन पूरी कट कर देनी है और जे वाली ये लाइन कट कर देनी है, यानी कि जो कंपोनेंट आई जे के जो भी ले रहे हैं वो जिस लाइन में आ रहा है, चाहे वो ओरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो, किसी भी लाइन में आ रहा है तो उसे छोड़ देना है। बचा क्या क्या, 3 - 2, 5 - 3, तो पहले जे है, जे प्लस का है या माइनस का वो अभी देखेंगे, 3 - 2, 5 - 3 दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ जी, ये लिख लिया। अब उसके बाद में क्या शेड्यूल होता है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है शेड्यूल, प्लस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला होता है -1 की i और j, i और j भी आपको बता दूंगा क्या होता है, बट इसका फॉर्मूला होता है i प्लस j होता है, यानी कि जो आप कंपोनेंट ले रहे हो वो माइनस की एक बार प्लस फिर माइनस, क्योंकि ये पहला टर्म है, यहाँ पे यहां से भी पहली, यहां से पहली, एक और एक दो, -1 की 1, 2 होती है। यहां पे देख लीजिएगा आई इस लाइन में पहला, इस लाइन में आप यहाँ पे उलझ जाओगे, तो आपको सिंपल ही ध्यान रखना है एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब बात आती है के की, तो के कैप ले ली, के किस इस लाइन में, इस में,
तो इस इसको छोड़ा 3 - 2 - 4 - 1 ये इसका पैटर्न रहेगा 3 - 2 - 5 - 1 ओ सॉरी यहां पे 5 - 3 था क्लियर है। तो ये हमारा पूरा बन चुका है। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व करने का तरीका ये और ये 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 माइनस थ्री की अब देना आई के माइनस फोर की माइनस फोर थ्री के साथ मल्टीप्लाई दैट शुड बी 12 एंड 5 - 1 दैट शुड बी 5 बट यहां पे होगा -5 क्योंकि इसकी प्रोडक्ट में से आपको ये माइनस करना है। ये वाली प्रोडक्ट ए ये वाली प्रोडक्ट आपको माइनस करनी होती है किस में से माइनस फोर वाली थ्री से कही है इतना माइनस जे 3 - 3 - था यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए -2 - 5 दैट शुड बी -10 और यहाँ पे माइनस आना था इसके लिए प्लस ये प्लस 10 माइनस सॉरी प्लस के 3 - 1 - 3 2 - 4 - 8 वो भी प्लस का तो यहाँ पे -8। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ इसको रफ कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास 7i - j - 10 - 1 आ गया -1 और ये -5 k ये आ रही है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट 7i - j - 5 k दैट शुड बी योर a क्रॉस b आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस साइड लिख देता हूं दैट शुड बी योर a क्रॉस b पता चल गया किस तरह को आपको यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि आपको यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड आपको पता चल गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसको छोड़कर डॉट प्रोडक्ट की। आज की वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज से 2 दिन बाद आएगी यानी कि कल बनाई जाएगी कल शूट होगी और परसों अपलोड हो जाएगी यानी कि आपको कल कल वेट करना पड़ेगा ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए आपके पास बिल्कुल सेम वेक्टर है ये दो ही वेक्टर दिए आपको आपको कह रहे हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ डॉट प्रोडक्ट लिखी कैसे जाती है डॉट प्रोडक्ट होती क्या है और डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे और कहां पर किया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये वैसे बेसिकली हाँ ओहो चलो कोई बात नहीं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्रॉस वेक्टर जो कि मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा वो भी देख लीजिएगा क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट डॉट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों से एंगल फाइंड आउट करना एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी आज वीडियो आ जाएगी शाम तक आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि एंगल का भी टॉपिक मेन है। आज की इस वीडियो में तो ये मिस हो गया बट आज इसी वीडियो में करवाना था बट ये आज को आपको शाम को ये वीडियो मिल जाएगी तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया ए डॉट बी इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट शुड इंटू कोस थीटा दैट शुड बी यूर ए डॉट बी ये फॉर्मूला है इसका इसी को आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला आपका यहां से हम थीटा निकालेंगे बट आपको करनी कैसे है डॉट प्रोडक्ट वो देखिएगा ए डॉट बी वो होती है आई के मतलब साथ मल्टीप्लाई जे के जे जो आई के कंपोनेंट है उनके साथ जे का यहाँ पे 1 है यहाँ पे जो कंपोनेंट है उनकी एक दूसरे के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देनी है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो क्या आएगा आपके पास 3 - 2 - -6 यहाँ पे माइनस है -4 + 1 दैट शुड बी -4 5 - 3 - -15 माइनस का है तो अब आप इसे ऐड कर लीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा जो भी हो वो आपको यहाँ पे कर लेना है सिंपली सा तो -6 - 10 ये यहाँ पे -4 6 - 6 - 10 - 10 - 15 - 25 वो भी माइनस के 25 ये आपके यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रही है बट डॉट प्रोडक्ट ये हो सकती है आपकी क्यों तो डॉट प्रोडक्ट भी आप निकालना सीख गए और 25 भी हो सकता है क्योंकि माइनस यहाँ पे कैलकुलेट किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता तो आपको लगभग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट
और जो वेक्टर के बारे में मैंने बताया आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आज शाम को, उसे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के द्वारा एंगल फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। और आज की इस वीडियो का लाइक है मैं 40 और कॉमेंट सेक्शन में आपको कॉमेंट करने हैं कम से कम 22। जो मैंने आज आपको टॉपिक बताए थे ट्रेंगल ला, पैरेलोग्राम ला और एक और बताया था आपको पॉलीगन ला, इन तीनों पे आपको कमेंट करने हैं तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए पसंद आई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।